कि छुट्टी खत्म होने के बाद में जब वो दोबारा उसी वीजे पर वापस नहीं आते हैं और उनके अकामे का स्टेटस वर्क वर्क शो करने लग रहा है है तो शायद उनका कफील उन पे का केस लगा दिया हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों बहुत सारे लोग छुट्टी पे जाते हैं अपने मुल्क और वो उसी वीजे पर दोबारा वापस नहीं आते हैं उनकी छुट्टी खत्म हो जाती है फिर उनका जो अकामे का स्टेटस होता है दोस्तों वो शो करने लग जाता है अपसेंट फ्राम वर्क मतलब अनिल अमल अब ऐसे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि भाई अपसेंट फ्राम वर्क शो कर रहा है हमारे अकामे का स्टेटस क्या हम दोबारा नए वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं क्योंकि ऐसे लोग दोस्तों इस बात से डरे हुए होते हैं कि अगर हमारा अकामे का स्टेटस अपसेंट फ्राम वर्क आ रहा है तो शायद हम दोबारा नए वीज़े पर नहीं आ सकते हैं उसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि जब आप सऊदी अरबिया में होते हैं तो अपसेंट फ्राम वर्क मतलब मतगैयी बहन के नाम से भी एक केस होता है आपके ऊपर जो बिल्कुल हरूब के जैसा होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं तो चलिए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर दूं कि फ्राम वर्क दोस्तों आपके ऊपर दो कंडीशन में लगता है मतलब अगर यूं कह लिया जाए तो अपसेंट फ्राम वर्क मुत्य बनेल ये दो तरह का होता है एक अपसेंट फ्राम वर्क मतलब मुतगै बानल वो होता है कि जब आप सऊदी अरबिया में होते हैं और आप ड्यूटी पे नहीं जाते हैं मतलब काम करने के लिए नहीं जाते हैं और आपका कफील आपके ऊपर अपसेंट फ्राम वर्क का केस लगाता है मतलब मुतयी बानलआमल का केस लगाता है जो बिल्कुल हरूब के जैसा होता है अब ये जो अपसेंट फ्राम वर्क का केस है दोस्तों जो आपके ऊपर सऊदी अरबिया में रहते हुए लगता है इस केस के जरिए से अगर आप पकड़े जाते हैं और आपको आपके मुल्क भेजा जाता है तो ऐसे लोगों पे पांच साल के लिए बैन होता है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हरूब वालों पे पाँच साल का बैन होता है।, अब दूसरा जो है दोस्तों वो होता है जब आप अपने मुल्क छुट्टी पे जाते हैं और आप उसी वीजे पर दोबारा वापस नहीं आते हैं आपकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो एक टाइम के बाद में आपके अकामे का जो स्टेटस होता है दोस्तों वो शो करने लग जाता है अपसेंट फ्राम वर्क अब ये जो अपसेंट फ्राम वर्क का स्टेटस है दोस्तों उस अपसेंट फ्राम वर्क के स्टेटस से जो आपके ऊपर सऊदी अरबिया में लग सकता था जो आपका कफिल आपके ऊपर लगाता था दोनों में फर्क है दोस्तों सऊदी अरबिया में रहते हुए आपके ऊपर अपसिन फ्राम वर्क का जो केस होता था यानी यूँ समझ लें कि कफील के तरफ से आपके ऊपर एक तरह से कंप्लेन हुआ करता था लेकिन ये जो अपसन फ्राम वर्क है दोस्तों जो आपको आपके मुल्क में रहते हुए आपकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद में आपके अकामे का स्टेटस शो करता है ये कोई आपके ऊपर लगाता नहीं है दोस्तों ये आपकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद एक टाइम के बाद में ऐटोमेटिक सिस्टम में अपडेट हो जाता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क तो दोस्तों आपकी छुट्टी खत्म होने के बाद आपका अकामे का जो स्टेटस शो कर रहा है एब्सेंट फ्रॉम वर्क ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी बैन नहीं होता है अगर आप नॉर्मल छुट्टी पे गए थे आपकी छुट्टी खत्म हो गई है भले ही आपके अकामे का स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो कर रहा है फिर भी आप दूसरे नए वीज़े पर आ सकते हैं सऊदी अरबिया में आपको सऊदी अरबिया में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों मैंने इस चीज़ को इसलिए क्लियर करना ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे कुछ भाई ये समझ रहे थे कि छुट्टी ख़त्म होने के बाद में जब वो दोबारा उसी वीजे पर वापस नहीं आते हैं और उनके अकामे का स्टेटस अप्सेंट फ्राम वर्क शो करने लग रहा है तो शायद उनका कफील उन फ्रॉम वर्क का केस लगा दिया है इसलिए शो कर रहा है जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि छुट्टी खत्म होने के बाद में एक टाइम के बाद में खुद ही ऑटोमेटिक सिस्टम में ये अपडेट हो जाता है अपसेंट फ्राम वर्क हाँ अगर आप कन्फर्म ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको सऊदी अरबिया में आने से अभी भी बैन है तो आप मतार पेपर निकलवाइए और मतार पेपर में आप चेक कर लीजिए लेकिन अपसेंट फ्राम वर्क शो करने से दोस्तों अगर आप नॉर्मल छुट्टी पे गए थे तो दोबारा सऊदी अरबिया में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर दोबारा नए वीजे पर आ सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए मिलते हैं अगले वीडियो में